हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही शानदार सा एक गर्ल बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस, ये रही हमारा क्ले स्कल्पचिंग टूल्स जिसको मैंने खरीदा है अमेजोन से, और ये रहे हमारा मिट्टी जो कि है नेचुरल क्ले, ठीक है। तो इन्हीं सब से आज का जो क्ले मॉडलिंग है वो हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा आज का जो क्ले स्कल्पचिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम इस जो मूर्ति है, इस मूर्ति के नीचे का जो बेस है, ठीक है, उस बेस को पहले बना लेते हैं। और उस बेस के अंदर मैंने एक लोहे का रॉड दे दिया है ताकि ये जो मूर्ति है ये खड़ा रह सके, ठीक है। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो आज का ये जो क्ले मॉडलिंग है ये बिना किसी स्ट्रक्चर का होगा, क्योंकि ये जो लोहे का जो रॉड मैंने यहाँ पर दिया ना, ये मिट्टी जब थोड़ा सूख जाएगा ना तो मैं नीचे से ये रॉड को मैं निकाल लूँगा। तो इससे क्या होगा, इस मूर्ति के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, तो इसीलिए ये मूर्ति जब सूख जाएगा तो ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप कोई भी क्ले मॉडलिंग करते हो तो अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि आपका जो मूर्ति है वो क्रैक हो जाता है, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा है जहाँ पर मैंने दिखाया है कि किस तरीके से आप कोई भी आपका जो क्ले मॉडलिंग है उसमें अगर क्रैक आ जाता है तो उसको आपको कैसे ठीक करना है, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो मिट्टी है, मतलब जिस मिट्टी से मैं ये जो क्ले मॉडलिंग कर रहा हूँ, ये कौन सा मिट्टी है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पर मैंने दिखाया कि ये जो मिट्टी है ये कौन सा मिट्टी है, इस मिट्टी को कैसे रेडी किया जाता है क्ले मॉडलिंग के लिए, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे एक बार देख सकते हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो में मैं जितने भी क्ले मॉडलिंग टूल्स यूज़ करता हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। मतलब कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि ये जो क्ले मॉडलिंग है इसके बारे में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैंने वहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो अगर आपके मन में भी किसी तरह का कोई सवाल है तो उम्मीद है कि उसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जिस तरह का सवाल पूछते हैं मैंने उसका जवाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसलिए पहले से ही दे रखा है ताकि किसी को कोई सवाल पूछना ना पड़े। फिर भी आपका कोई सवाल का आंसर वहाँ पर ना मिला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने की, ओके। तो गाइस, चलिए अभी मैं स्टेप बाय स्टेप ये जो मूर्ति है इसको मैं बनाता हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊँगा। तो इसीलिए जो लोग ऐसा मूर्ति बनाना सीखना चाहते हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप अगर कोई भी पार्ट स्किप कर लेते हो ना तो आपको उससे उसके बाद का जो पार्ट है ना उसको आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सभी पार्ट आपस में जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए आप अगर सीखना चाहते ही है जेन्युइनली तो आपको कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना होगा, ठीक है। तो गाइस, चलिए स्टेप बाय स्टेप अभी हम इस मूर्ति को बनाएंगे। और ये जो फेस है ना, ये फेस मैंने इससे पहले बहुत बार दिखाया कि फेस कैसे बनाते हैं। फेस मेकिंग के ऊपर मेरे चैनल पर बहुत सारा वीडियो है, तो इसीलिए अगर आप बहुत ही डिफरेंट टाइप का फेस बनाना सीखना चाहते हैं तो बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पर फेस बनाने से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार ज़रूर चेक कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो फेस मैं अभी बना रहा हूँ इसको बनाने में करीब 2 से 2.5 घंटे लगा है, तो इसीलिए ये जो फेस मेकिंग जो वीडियो है इसको मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा देती हूँ ताकि थोड़ा टाइम बच सके आपको, ठीक है। तो गाइस, चलिए अभी ऐसे ही मैं स्टेप बाय स्टेप इस मूर्ति को बनाता हूँ और आप भी देखते रहिए, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए, ठीक है। तो गाइस, मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, कहीं मत जाइए।
सो गाइस, यही थी हमारी आज की क्ले स्कल्पचिंग। आई होप आप सबको आज की ये क्ले स्कल्पचिंग बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये क्ले स्कल्पचिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो गाइस ज़रूर से मेरे को इन सब में फॉलो कर लीजिए। मेरे इस सारे सोशल मीडिया का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।